कट करके ले रहे हो आप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। मैं अभी जा रही हूँ ना फिश लाने। इन दिनों में हमारा फिश वाला नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसको, दो तीन दिन हुआ आया ही नहीं। अभी मुझे नीचे जाके लाना पड़ेगा और ये लेट भी हो गया। मैंने ब्लॉग आज लेट स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट भी सब कुछ हो गया हमारा, सब काम कर रही थी, मेरा कम्प्लीट हो गया। अभी जाना है फिश देखना, अभी देखती हूँ वहाँ पर उसके पास अभी क्या अवेलेबल मिलेगा। लेट तो हो गया, जो मिलेगा वो लेके आना पड़ेगा हमें। मुझे फर्स्ट मैं अकेली जा रही हूँ, फ्रांसिस बिजी है, शंकर भी बीजे, जल्दी जल्दी जाके आना है, बाद में खाना बनाना है और शाम का प्लान देखेंगे। इन दिनों में मैं सोच रही थी मेरा कपड़ा ऑल्टरनेशन के लिए देना था, मैंने पहले उस दिन थोड़ा लाया भी है न्यू कपड़ा, तो फिर देखना पड़ेगा। अभी देखती हूँ जल्दी जल्दी जाके, शाम को वहाँ पे भी वो सब काम करके आना है और टाइम भी नहीं हमारे पास, बहुत कम है। तो चलो निकलते हैं, अभी पहले फिश लेके आते हैं। फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई वैन के, वहाँ फिश लेने यहाँ पे ही। देखो बहुत सारा फिश अवेलेबल है, अभी दोपहर का टाइम है पर फिर भी अभी अवेलेबल है। बांगड़ा, ताले, वेली है, पापलेट है, इस लेपो है। मैं सोच रही थी कौन सा लो ना, ये नहीं लगा, ये पर मगा एक। ये देखो यहाँ पे किंग फिश भी है, किंग फिश देखेंगे आज ट्राई करने को मिलेगा। हाँ कल्ली कशी यहाँ पे, ये देखो कल्ली भी काटे काटे का रहता है पर टेस्टी रहता है फिश। तो यहाँ पर मैंने किंग फिश लिया, मैं कट करके ले रही हूँ। अभी बहुत बड़ा है तो फिर मुझे वो घर पे कट करने के पॉसिबल नहीं, तो फिर यहाँ से ही कट करके ले रही हूँ। ये देखो तो यहाँ पर से कट करके ले रही हूँ, स्लाइसिस करके ले रही हूँ मैं अभी। आज हमारे घर पे बन रहा है किंग फिश का फ्राई बन रहा है। सरिता गई थी फिश लाने के लिए, मैं बिजी था, शंकर अपना एडिटिंग में बिजी था। शंकर इसलिए बिजी है इन दिनों ना क्योंकि उसको बहुत सारे वीडियोस है एडिटिंग करने के लिए। टूर के दौरान हम लोगों का वीडियो बैकअप होना चाहिए इसलिए वो बिजी रहता है। मैं भी मेरा बुकिंग्स में बिजी था, देखा किचन में आके तो इधर देखो आज लेके आई है सरिता जाके किंग फिश लेके आई है। तो ये सारे रेसिपी निकाल के रखी है और रेसिपी शूट करेगी मेरे ख्याल से। शंकर को इसका हेल्प चाहिए होगा, तो शंकर क्या कर रहा है शंकर को देखते हैं, उनको शूट करने दो, मैं मेरा काम करूंगा। ये देखो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है, केस पर बांध दा। हाँ बांध बांध, चल शंकर किधर गया, चाची को हेल्प करना है शूट के लिए, तेरा हुआ एडिटिंग, चलो आ जा। तो ये बंद कर, मैं देखता हूँ, तुम लोग जाके शूट करो, रेसिपी शूट करेंगे। ये तू कितने का ये लाया? 650 किलो। कितने? चलो तो आज सरिता आपको ना किंग फिश का फ्राई, मसाला या रवा? रवा मसाला कर, मेरे लिए मसाला का लाने रवा डिफरेंट करता ना, रवा करता। ठीक है, चलो आज आपको ईस्वर्ण, ईस्वर्ण बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, ईस्वर्ण बोलते हैं वो किंग फिश, और सुरमई मराठी में बोलते हैं सुरमई का। आज आपको रवा फ्राई मसाला फ्राई दिखेगा, आज मैं करना सुरमई रवा फ्राई। हाँ मराठी सुरमई म्हणजे तो आता मराठी म्हणता सुरमई म्हणजे मराठी ना सांग। आज आम्ही खाणार सुरमई रवा फ्राई, सुरमई मसाला रवा फ्राई। चलो आणि मिकू काय आज? मिकू ना, मिकू गायब, मिकू नाही आहे, मिकू ना छुप के सोती है इन दिनों, पता नहीं कहाँ पे तो छुप के सोई होगी। देखते हैं, मेरा यहाँ पे सेटअप है, इधर मैं बैठ के बुकिंग सारे कर रहा था, अभी थोड़ा ब्रेक लिया हूँ, अभी इनका रेसिपी करने दो, मैं मेरा काम करूँगा, ठीक है। और शाम के टाइम पे ना मुझे मेरा वीडियो भी शूट करना है। तो आ गया मैं किचन में, किचन में ये हाल है। ओए किचन वाली आ जाओ मेरे, किचन वाली ये कैसे दिखाना है ये बाद में आपको दिखाएगी सरिता। आ गया इसका सपोर्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टर, कैमरामैन डायरेक्टर आ गया है इसका, ये लोग अभी शूट करने वाले यहाँ पे। चलो आज मैं बनाऊंगी एक सी फूड रेसिपी, तो फिर मैं मार्केट से ऑलरेडी लेके आई हुई, देखो इसवन किंगफिश, मराठी में सुरमई, कोंकणी में इसवन बोलते हैं, इंग्लिश में किंगफिश, हिंदी में पता नहीं। तो फिर इसको आज हम लोग बनाएंगे मसाला रवा फ्राई, हल्दी मिर्ची पाउडर डाल के नॉर्मल नहीं बनाऊंगे, आज मैं स्पेशल उसके लिए मसाला बनाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा इसके लिए इंग्रेडिएंट निकाल के रखा है मसाला, मुझे पहले इसको ग्राइंड करना है और बाद में मैरिनेट करके रखूंगी और बाद में खाने के समय मैं
फ्राई करूंगी उसको। मैंने पूरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे मसाला निकाल के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 15-20 मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े करके लिया है, 1 इंच है अराउंड, और यहाँ पे ऐसे ही 15-20 लहसुन लिया है, 10-12 काली मिर्च लिया है मीडियम साइज़ का, एक ऑनियन लिया है, और यहाँ पे मैंने ना टैमरिंड लिया है, इमली, इसको मैंने ना अच्छे से सोकिंग करके रखा है, इसमें मैं पानी में सोक किया, मैं नॉर्मल विनेगर नहीं, नॉर्मल पानी। और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आपके पास धनिया पाउडर नहीं है तो आप वो धनिया ले सकते हो, नमक, और यहाँ पे रवा लिया है मैंने, लास्ट फ्राई करूँगी इसको ये लगा के। और ये रहा मेरा किंग फिश, इसको मैंने अच्छे से धो के नमक लगा के अच्छा मैरिनेट होने के लिए रखा है। चलो मसाला ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया है, उसको पहले ना अच्छा फ्राई करके देंगे, फ्राई मतलब रोस्ट करके रहूँगी ऐसे गैस पे नॉर्मल, इसको ना चूल्हे में अच्छा फ्राई किया ना तो फिर जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है, पर अभी चूल्हा अवेलेबल नहीं है तो फिर गैस से ही फ्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑनियन अच्छा फ्राई हो गया है, इसका ऊपर का कवर निकालेंगे। ऐसे तो मैंने इसको ना अच्छा कवर निकाल के धो के अच्छा फ्राई किया था, पर अभी ये देखो पूरा ऊपर से थोड़ा काला जैसे हो गया, इसको निकालेंगे ऊपर का कवर थोड़ा आ गया, इसका जो ऊपर का जो कवर है ना उसको निकालेंगे। तो फिर ऑनियन को अच्छा कट करके लेंगे, तो फिर अभी मिक्सर में इसको डालेंगे, ऑनियन को, कश्मीरी रेड चिली, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से काली मिर्च, लहसुन, अदरक, यहाँ पर धनिया पाउडर एक स्पून में इसमें डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर और एक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट, और अभी मैं ऐड करूँगी इमली टैमरिंड जो मैंने अच्छे से सोकिंग करके रखा है, ये पानी के साथ पूरा ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसको ना अभी ग्राइंड करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने मसाला पूरा बाउल में निकल के रखा है अच्छे से, मैंने ऑलरेडी इसको नमक लगाया था, थोड़ा नमक लगा के रखा था मैरिनेट होने के लिए, और इसमें भी मैंने ऑलरेडी नमक लगाया मसाले के लिए। तो फिर इसको ना अभी 1 by 1 थोड़ा मसाला लगा के रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, इसे 1 by 1 ऐसे लगा के छोड़ेंगे। ये ना किंगफिश ना आपको बहुत साइज में मिलते हैं, ये तो अभी था एकदम स्मॉल भी नहीं पर मीडियम साइज़ का है, और भी एकदम बड़ा साइज़ का भी मिलता है, जो मुझे अवेलेबल मिलता था वो मैंने लेके आई थी। मैं जितना मुझे फ्राई करना है उतना मैं मसाला लगाऊंगी, और बाद में उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा मुझे, 1.5 घंटे के लिए रखूंगी, और बाद में फ्राई करने का भी टाइम हुआ, दोपहर हुआ ऑलरेडी, इसको थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर बाद में अच्छा मैरिनेट होने के बाद अच्छा रवा लगा के इसको फ्राई करेंगे। चलो तो फिर मैं सबको ना मसाला रखा के रेडी करती हूँ इस तरह से। तो फिर यहाँ पे देखो ये ना मैंने अच्छा सा फिश मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था, अभी मैं इसको फ्राई करूँगी रवा फ्राई। यहाँ पे मैंने रवा लिया है प्लेट में, और यहाँ पे मैंने तवा रखा है गर्म होने के लिए, तो फिर इसमें मैंने पहले कुछ भी ऑयल भी कुछ नहीं डाल दिया है, तो अच्छे से इसको रवा लगाएंगे दोनों साइड से। तो फिर यहाँ पे मैं 1 by 1 फिश रख रही हूँ रवा लगा के, जितना मेरा इसमें होगा उतना मैं डाल रही हूँ, देखेंगे कितना फ्राई होगा एक पैन में। तो फिर यहाँ पे ना पूरा मैंने मसाला डाल के रख दिया है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो फिर इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया मैंने, इसको एक साइड फ्राई करना है, बाद में उसको टर्न करके दूसरा साइड फ्राई करेंगे, और बाद में गरम गरम खाएंगे। चलो तो फिर इसको फ्राई होने दे एक साइड में। तो फिर एक साइड में ना फिश अच्छा फ्राई हो गया है, इसका भी ना 1 by 1 करके टर्न करके लेंगे, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है इसको, ज़्यादा कड़क नहीं करना है, अच्छा सा नॉर्मल फ्राई हो गया है, नहीं तो पूरा हार्ड हो जाएगा फिश। फिर एक साइड में फ्राई हो गया है, अभी दूसरे साइड में पलट के इसको भी फ्राई करना है, और बाद में खाएंगे गरम गरम फिश फ्राई। फिर ये देखो कितना यम्मी दिख रहा है, रेड रेड मेरा किंग फिश फ्राई। आप इसको मसाला फ्राई भी कर सकते हो, पर मसाला फ्राई करने के लिए इसके लिए थोड़ा डिफरेंट मसाला निकालना पड़ता है, इसको मैंने टैमरिंड भी डाल के किया है, तो फिर ये नॉर्मल रवा फ्राई में ही अच्छा लगता है। तो फिर इसको ना फ्राई होने दो, बाद में हम लोग खाना खाएंगे।
यहाँ पे लंच कर रहे हैं शंकर और फ्रांसिस, गरम गरम फ्राई किया है, मैं बाद में खाऊंगी। ये लोग खा रहे हैं, देखो ये रहा आज का स्पेशल किंगफिश मसाला रवा फ्राई। मसाला रवा फ्राई कुछ भी बोलो, फिश जो है ना पूरा फ्रेश है। एक्चुअली आधा खा चुका हूँ ये देखो। हाँ बिल्कुल फ्रेश है, और फ्राई भी जो मसाला के साथ किया है ना बहुत मस्त लग रहा है। फिश भी फ्रेश होना चाहिए, तब जाके वो जो क्या बोलते हैं उसको टेस्ट फ्लेवर को आता है इसमें, तोड़ में मुंह में ताड़ में ये बीच में कांगा नहीं क्या हो रहा है। सुपर है, उधर आई भी बैठी है खाना खाने। आई कुछ है ना नुस्ते बोला था आई भी खा रहे। तुम लोग भी खाना खाओ, मैं भी खाना खाती हूँ। तो खाना खाते हैं और उसके बाद शाम का क्या प्लान है पता नहीं, वो क्या करेगी। मुझे जाना है टेलर के पास, तो फिर अभी खाना खा के अभी तो बंद रहेगा, 4 बजे निकलूंगी बाद में, और उसको बोलूंगी कल तक चाहिए। मिला तो बस, नहीं मिला नहीं मिला तो जो कपड़ा है वही लेके जा, देखेंगे होपफुली मिलना चाहिए। तो फिर लंच के बाद हमारा है अच्छा मैंगो। ये देखो हमको इस सीजन में भी मैंगो खाने को मिल रहा है। अरे उसका क्या हुआ बताया, मैं उस दिन मैंगो लेके आया था मार्केट से, हम लोग लेके आए थे भूल गए। हाँ, ऐसे फ्रिज में था, दो दिन हुआ लगता है लेके आया। हाँ, अभी हम लोग खाएंगे मैंगो इस सीजन में भी। एक्चुअली इसका सीजन तो ऑलरेडी गया है, नहीं पर ये फ्रेश दिख रहा है, अच्छा दिख पर अच्छा है। हाँ, अच्छा है। खा के दिखा, खा के बताऊं आपको, रुक जाओ खा के दिखा, खा के बताता हूँ कैसे लग रहा है अभी। ये मतलब ऑफ सीजन मैंगो खा रहे हैं हम लोग। हाँ, सीजन तो अभी नहीं है, ऑफ सीजन वाला मैंगो। बुरा अच्छा है, टेस्टी है, वरना वो सीजन के बाद डायरेक्ट बारिश में आता ना तब नहीं खाना चाहिए। हाँ फिलहाल मेरा सीजन स्टार्ट हुआ है, मैंगो एंजॉय करते हैं, मैं बिजी रहता हूँ सीजन में। तो फिर जस्ट ना हम लोग खाना भी खा के ना, मैं थोड़ा टाइम के लिए सो रही थी। इन दिनों में क्या होता है ना, मैं खाना खाती हूँ और आधा घंटे के लिए सोती हूँ, ऐसे रूटीन चल रहा है इन दिनों में। मुझे पता नहीं कैसे नींद आता है, तो फिर सोई थी और आप ही आके देखा तो शंकर अपना ना एडिटिंग कर रहा, वो सोता ही नहीं, वो थोड़ा टाइम के लिए ना ब्रेक लेता है और खुद का एडिटिंग कर रहा है। एडिटिंग हमारा बहुत पेंडिंग है, ब्रेक नहीं लेता विदाउट ब्रेक। हाँ ब्रेक लेता हूँ, ऐसे बैठा सोता नहीं, वो सोने को उसको सोना पसंद है। और हाँ, और हम लोग यहाँ पे काम करते करते ना लेट हो गए, चाय पी रहे हो अभी, और देखती हूँ टेलर के पास जाना है अभी मुझे। अभी पता नहीं मुझे टेलर से ऑल्टरेशन मेरा कपड़ा हो जाएगा नहीं, फ्रांसिस मुझे बोल रहा है क्या बताए। हाँ, अगर नहीं मिला ना तो पुराना कपड़ा डाल के जाना पड़ेगा, देखते हो होपफुल मुझे मिलना चाहिए। मैं ना पोस्टपोन होते जा रहा है मेरा, ज्यादा कपड़ा है तो लेट तो होगा। हाँ टेलर के पास ना पोस्टपोन होते जा रहा है, आज जाऊंगी कल जाऊंगी कल जाऊंगी करके, अभी देखती हूँ अभी। और एक्चुअली लेट हो गया हमको, वहाँ पे मिलना भी चाहिए, जाके देखती हूँ वहाँ पे मुझे टेलर मिलेगा या नहीं, जाके देती हूँ आज। फ्रांसिस आएगा या पता नहीं, शंकर तुझे डालेगा? ओके शंकर का भी एडिंग हुआ है, तो फिर देखती हूँ शंकर को लेके जाऊंगी या फ्रांसिस आएगा, पूछ तो शंकर से। फ्रांसिस को जाके देखती हूँ फ्रांसिस क्या कर रहे हैं। फ्रांसिस यहाँ पे बैठा है, फ्रांसिस किधर बैठा था, ले काम जा रहा तुझे? यस यस हुआ हुआ हुआ, चल चल मशीन टेलर लगड़े होते नहीं हुआ आता ओपन स्थल हो तो लेट जा रहा ना, होते नहीं हुआ चल। तो फिर हम लोग ना थोड़ा टेलर के पास जाके आते हैं, नहीं तो मुझे ना मिलेगा नहीं मेरा कपड़ा, पुराना पहनना पड़ेगा नया लाके भी।